प्रस्तुति का अवसर मिला है। यहाँ के श्रोतागण बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छी तरह सुनते हैं और समझते हैं। अगर समझने वाले न हों तो गाने में आनंद नहीं आता है। स्वर कैसे लगता है, एक एक स्वरों का प्रयोग कैसे होता है रागों में। कहते हैं कि हुस्न बेकार है अगर चाहने वाला न हुआ। लाख कोई सुंदर हो कि दिखबे न करे उसके तरफ तो क्या सुंदरता है। हम गावे अब आप समझें तब आनंद है संगीत का। हम जहां बैठे हैं ये मंच नहीं है, मंच पर भाषण होता है। ये स्टेज भी नहीं है, स्टेज पर नाटक ड्रामा होता है। ये मंदिर है जहां संगीत होने जा रहा है। इसका प्रमाण है, नारद जी ने पूछा है प्रभु आप कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं कि जोगियों के हृदय में रहते हैं। रमन्ते योगिनो जस्मिन् स रामः। भगवान ने कहा कि नहीं नारद, नाहम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ और जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त गाता है सुर लय में, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। तो सबसे बड़ा मंदिर तो यही है जहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर भगवान विराजमान है, इसीलिए जनता जनार्दन है। और एक मूड बनाना पड़ता है, मंदिर में हम किस मूड से बैठते हैं, कैसे जाते हैं। जब उस मूड से सुनेंगे और उस मूड से गाएंगे तो आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। सारे गामा पधनी सात स्वर है, ये किस आधार पर नाम रखा है इसका। ये मानव सृष्टि का आधार है, संकेत सा साकार ब्रह्म का प्रतीक है। सामान्य साकार ब्रह्म पहले ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, फिर उनके पुत्र रे ऋषि मुनि सनक संदन सनत कुमार नारद, जितने ऋषि हैं सब उनके पुत्र पैदा हुए रे से ऋषि। और ऋषि गाने लगे तो ग से गंधर्व, गाँव ही गुण गंधर्व प्रवीणा। जब गाने लगे तो सुनने वाले होने चाहिए, तो म से महिपाल राजा इंद्र, जिनके यहाँ संगीत होता था। और जब राजा है तो उसी प्रजा होनी चाहिए, तो पंचम प्रजा के रूप में प्रकट हुआ कि राजा के साथ प्रजा भी है सुनने के लिए। प्रजा है तो सभी जाति के सभी वर्ण के लोग होंगे, तो उनका अपना अपना धर्म होगा। तो धर्म 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 माने धर्म, धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म, जो सारे विश्व को धारण किया ईश्वर, उसको हम स्वर के द्वारा धारण करें तो क्या मिलेगा कि आखिरी सुर नी माने निराकार ब्रह्म। साकार से शुरू किया और निराकार ब्रह्म में जाके मोक्ष प्राप्त कर लो। इसलिए रच महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने इसकी रचना करके रखी है। ये सब बातें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति। रामायण में कहते हैं बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के प्रभु का दर्शन नहीं होता है। ये सीढ़ी है। सबसे पहले भगवान शंकर ने स्वर लय और शब्द की रचना किया। अब अपने डमरू से देखिए, ये सब बातें बड़ी गूढ़ है। इस मंच पर इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े हमारे नेता और मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, तो ये समझें कि जो मैं बता रहा हूँ। शंकर जी ने डमरू से नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद् द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। तांडव नृत्य करने के बाद भगवान शंकर ने डमरू को 14 बार बजाया। उससे क्या निकला कि सबसे पहले स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अः जो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं आ ई, वो स्वर पहले निकला। सबसे पहले आ क्यों निकला कि हम जब गाते हैं तो पहले आकार करते हैं कि हे माँ सरस्वती आओ दर्शन दो, उनका आवाहन करते हैं आकार करके। उसके बाद उसी में लय है, 5 जाति होती है लय की, चतुस्र खंड तिस्र मिस्र संकीर्ण, ये 5 जातियां हैं। 4 मात्रा 5 मात्रा 6 मात्रा 7 मात्रा 9 मात्रा, ये कैसे भगवान शंकर ने रचना किया है देखिए।
डमरू की आवाज है ये 14 सूत्र है ये शंकर जी का डमरू काशी में। हम काशी से आए हैं तो काशी की चीज बता दें। अब आयुण क्या है कि पहले स्वर ये 14 सूत्र है। अब लय कैसे इसके अंदर तो आयुण नादि दिन्ना चार मात्रा फिर रिल रिक धिन धिन धाधा तुन्ना कत्ता धगधग धिन्ना दिन दिन तीन मात्रा छह मात्रा बारह मात्रा एवच धीना दी धीना तीना दी धीना धीना दी पांच मात्रा हयव रट लड़ तीतीना धीना धीना तीतीना धीना सात मात्रा फिर नौ मात्रा खफ छठ तव तो रची महेश निज मानस रागा। भगवान शंकर ने इसकी रचना करके अपने मन में रखा और डमरू से उसको निकाला। अब मैं राग दरबारी गाऊंगा क्योंकि दरबारी बड़ा गंभीर राग है। तानसेन जी के समय से ये राग चला आ रहा है। इसमें स्वर धैवत गंधार लगाने का तरीका देखेगा कि स्वरों का बढ़त। शास्त्रीय संगीत वो है जिसमें चार स्वस्थान होते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। चार स्वस्थान हुआ जिसमें आलाप करेंगे, उसके बाद अस्थाय भंजनी रूपक भंजनी करेंगे, तीन दो एक, तीन मात्रा दो मात्रा एक मात्रा, इसको लय के साथ दिखाएंगे आप देखिएगा। उसके बाद मेरु खंड खंड मेरु, उसके बाद 15 प्रकार के गमकों का प्रयोग करेंगे। 15 प्रकार के गमक है, त्रिभ गमक, अस्फुरित गमक, कंपित गमक, वल गमक, कुरूल गमक, आहत गमक, उल्लासित गमक, प्लावित गमक, गुम्फित गमक, हुम्भित गमक, चक्रित गमक, मुद्रित गमक, नामित गमक, त्रिभिन्न गमक। इन गमकों का कैसे प्रयोग होता है? गम माने चलना। संस्कृत पढ़ने वाले लोग देखें कि गम माने चलना होता है और गमक माने ले चलने वाला। एक स्वर से दूसरे स्वर तक नए नए ढंग से और मिठास से जो लेकर चले उसको गमक कहते हैं। स्वश्रुति स्थान संभूताम छायाम श्रुत्यंतराश्रयाम स्वरोजत गमयत गीते गमको असौ निरूपित, वो गमक है। अब देखिए हम कैसे उसको एक एक स्वरों को बरतते हैं। के हम ना कछु काम के भरोसे अपने राम गए I'm not a good
गमकों का प्रयोग है। अति कोमल धैवत अति कोमल गंधार कह जो स्वर पार्वती हैं और लय शिव हैं, श्रुति माता लयम पिता, कॉम्बिनेशन दिखे हम गजा गजा
इसके बाद सरगम का स्थान आता है रे रे धानी धा रे गे रे धानी धा रे गे धानी धानी धा रे गा मे धा म Mama baba da da ni 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 da ni 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 ख्याल के लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन और भी हमारे जनता बैठी है, कई प्रकार का चीज हम सुनाएंगे, तो अब थोड़ा छोटा ख्याल। झन झन गवामो रे बिचुआ, झन झन गवामो रे अंदाज कहने का झन झन गवा मोरे बिजुआ, झन झन गवा मोरे बिजुआ, झन झन गवा मोरे बिजुआ।
बिरहन कहती है कि झन झनकवा मोरे बिछवा तो कैसे घर आऊं तोरे नितवा जन जन कैसे घर आऊं तोरे नितवा कैसे घर आऊं तोरे नितवा कैसे घर आऊं तोरे जन जन गवा chum chanan chum bichua baje bichua bega bio bega ba chum chanan chum bichu chum chanan chum bichanan chum bichanan chum बाजे चुम चनन चुम बिजुआ बाजे चुम चनन चुम बिजुआ बाजे चनन चुम चनन चुम चनन चुम चनन चुम बिजुआ बाजे चुम चनन चुम बिजुआ बाजे जागत है सब घर के लोगों जागत है सब घर के लोगवा जन जन गवा मोर बिजुआ जन जन गवा मोर जन गवा मोरे बिजु भजन गवा जन गवा मोर अस्थाय भजन जन गवा मोरे मोरे बिजु भजन गवा जन गवा मोरे बिजु भजन गवा मोरे जन जन गवा जन गवा मोर बिजुआ जन जन गवा रे रे धानी दारे गगम मरे दा रे रे धानी दारे गगम मरे दा गगम मरे दा गरम मरे दा रे रे धानी दारे नी दा गगम मरे दा जन जन गवा सारे गरी नी दारे दा धानी दा sare gari ni sare sa dani ni dani sare ga mare sa ma ba da dani ni ba ba da ni sa re re dani da ga ma mare sa ni re da ga ni re re sa sare ni da da dani ba ma ba ga ma re jana ga wa ma ja jana ga wa ma re jana ga wa ma re biju wa jana jana ga wa ma re biju wa re re dani da re ga ma mare sa re re dhare dhare ga mare dhane ga mare dhane dhare ga dhane re re dhare dhane ga dhane ba 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 ga ga mare ga ma 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 ba 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 dha dha dhane men re 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 da jab hunne aao ma 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 ba 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 dha dha dhane men re da ma ba dhane re da ma ma ba ba dha dha dhane re da re re dhane dhane dhare dhane dhare dhane dhare dhane dhare dhane dhane dhare dhane dhare ga ga ma mare da sare ga ma ba ma ga ma mare dhane ga dhane dhane dhare dhane dhare dhane dhare dane ni ba ba ga ma mar jana ga wa mo jana ga wa mo jana ga wa re bi ju wa jana jana ga wa jana jana ga wa mo re bi ju wa jana jana ga wa mo jana ga wa mo jana ga wa mo आ आ आ आ
इसी का तराना दिखेगा एक ताल में देरी ना ददर दानी देरी ना ददर दानी दे। दक्षिण पद्धति का भी सुनाएंगे आप, दक्षिण में जो गाते हैं वो किस ढंग से बोल कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। अरे देरी ना ददर दानी देरी ना ददर दानी ओ दानी दानी ददानी तुम दे तना देरी ना। बंदिश देखे तदारे दानी उदानी दानी तदानी तुम दर दाना देरे ना देरे तदारे दान ना दर दर दानी तुम दर दर दाने ना दर दर दानी तुम दर दर दाने दाना ना दाना ना दर दर दानी तुम दर दर दाने दाना ना दाना ना पैदी है ना रे देत्रां तुम दे देत्रां तुम दे देतारे दाने dir dir dani tum dir dir dan tan 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 na tadiya na re de tan tum de de tare dani dan tare dani dan tare dani dan de na de tare